मृतक के स्मारक के ठीक ऑपोजिट महाराणा प्रताप का स्मारक है, तो वहीं हम जा रहे हैं। और रास्ते में ही वो एक नाला है जहाँ पे चेतक ने छलांग लगाई थी, तो वो भी हम देख लेंगे। ये है क्या, ये है क्या? हाँ, गेट 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 ये रुको। हाँ, तो यहाँ पीछे से हम आए, चेतक का स्मारक ठीक इसके ऑपोजिट में है। और ये जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो महाराणा प्रताप स्मारक के ओर, तो ये एक रास्ता है। और ये देखो यहाँ पे लिखा है चेतक, ये देखो यहाँ पे लिखा है चेतक, ये देखो। तो यही से वो रास्ता जाती है नाले की तरफ। चलिए हम चलते हैं, वो नाला भी देख लेते हैं। आ जाओ, ये देखो यहाँ से रास्ता। बहुत ही छोटी सी एक पगडंडी है, वहां से आपको चल के जाना पड़ेगा वहां तक। थोड़ा दूरी जाना पड़ेगा, वहां तक है नाला। उधर है नाला। हाँ, वो नाला तो देखने को बनता ही है। हाँ, 100 फीट। हाँ, 300-400 फीट आगे। और ये देखो पानी आ गया यहाँ पे, और यहीं पे वो नाला है। तो देख के, क्योंकि यहाँ ना पानी है, वो स्टोन पे जाना पड़ेगा। मम्मी, you will be able to go? Yeah. देखना गिर मत। हाँ, कब तुम लोग ये लो, मैं दिखा देता हूँ। धीरे धीरे आना, ठीक है? ओ, ये बहुत मम्मी माता रानी का वो भी रखा है। तो ये है, ये उधर देख। तो ये है, अभी तो ये खैर ये नाला जैसा लग रहा है। देखो ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर का एक रिवर होगा, ठीक है ना? मतलब उतना चौड़ा रिवर नहीं, पहाड़ी इलाकों में जो रिवर होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे रिवर भी होते हैं। तो ये स्प्रिंग वाटर है, एकदम से पहाड़ी से जो पानी निकलता है ना, ऐसा वाला एक रिवर है। तो नाला भी नहीं है, बड़ा सा रिवर भी नहीं है, ये अभी इतना हो गया। जब पानी वहां तक है, दैट मीन्स ये थोड़ा चौड़ा ही होगा। तो चेतक ने, ये देखो, ये पहाड़ी से है ना छलांग लगाई इतनी दूर, और उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए महाराणा प्रताप उसको, जो हमने दिखाया यहाँ से अराउंड 600-700 मीटर पे जो वो समाधि है, वहाँ पे मंदिर था, तो वहाँ पे जाके उसका छतरी है, वहीं पे वो ले जाते हैं, उनका समाधि बनाते हैं। तो ये देखो, दिस इज द चेतक नाला, जो चेतक ने छलांग लगाई थी और क्रॉस की थी। तो 3 cheers फॉर चेतक, है ना? ये देखो, और ये जो सारे एरिया देख रहे हो ना, अगेन दिस इज विद इन दैट 8-9 kilometers ऑफ हल्दी घाटी की रेंज, दर्रा है ना, रेंज वही है। और जैसे युद्ध हुआ होगा, तो वहां से युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप वहाँ से इधर आए होंगे, ये पहाड़ी तक आए होंगे, फिर यहाँ से चेतक ने छलांग लगाया होगा, यू नो। तो ये सारा एरिया जो है ना, आपको समझ में आ जाएगी जब आप यहाँ आओगे। इट्स नॉट दैट फार, यू नो, सब क्लोज है। तो यही है भाई वो हिस्टोरिकल नाला, ये देखो नेचुरल स्प्रिंग वाटर है ना। हाँ, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, पहाड़ियों की जो नदियाँ होती है ना, वो ऐसे ही होती है, स्प्रिंग वाटर वाली। और ये तो अभी छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ तक होएगा। हाँ, वहाँ से ही रुक जाओ, चप्पल है ना। हाँ, मैं चप्पल उतार देती तो इजी होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ये थोड़ा गीला, ये थोड़ा हिलता है ना। हाँ हाँ, दूसरे पर रखो, नीचे वाले। इस पे भैया मेरे हाथ पकड़ लो। हाँ ठीक है, बस हो गया, थैंक यू। मम्मी को भी निकाल दो। मम्मी चप्पल पहनी है, तो मम्मी आराम से आ गई। अच्छा लग रहा है, पता है, इस जगह पे आके वो पूरा इतिहास जो है ना आंखों के सामने, बस ऐसे ही लाइक जैसे मूवी देखते हैं ना, वैसे ही इधर से उधर सीन, इधर से उधर जा रहा है मेरा। कैसा मंजर होगा उस टाइम पे। आदमी से ज़्यादा जानवर वफादार होता है, पता है। ये देखो, इसी को कहते हैं, नहीं तो वो तो ऑलरेडी घायल हो चुका था। देखो वो पहाड़ी, और वहाँ से वो ऑलरेडी घायल हो चुका था, इतनी दूर छलांग लगाना, कितना फेथफुल घोड़ा था। चेतक का नाला देखने के बाद हम लोग आ गए हैं थोड़ी ऊंचाई पे,
और यहाँ पे है महाराणा प्रताप का स्मारक और ऑल द वे अप हमको ये सीढ़ियों से जाना है। चलिए बहुत चढ़ाई है लेकिन हम चढ़ लेंगे। मम्मी चल लेंगे, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा अगर आप ये सीढ़ियों पे चढ़ोगे। हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, नहीं उसी रास्ते से आए, वहाँ रास्ता नहीं था। चल चल हम स्टैचू बना हुआ है तो मुझे मैं कंफ्यूज हो गई, वहाँ पे भी गाड़ी जाती है तो मुझे लगा ऐसे ही सेम बना हुआ है ना वहाँ पे। तो ये है महाराणा प्रताप स्मारक और वो देखिए चेतक पे सवार जो है वो है महाराणा प्रताप और उनका भाला। महाराणा प्रताप चेतक और इस जगह से पूरी हल्दी घाटी की जो एरिया है वो दिखती है, मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाओ पीछे आपको दिख रहे हैं ये सारी पहाड़ियाँ, वहीं से हम गुजर के यहाँ आए हैं। तो ये जो है ना ये पूरा सर्कल यहाँ तक है ना, ये सारा जो है महाराणा प्रताप का एरिया था हल्दी घाटी, इसको ही बोलते हैं हल्दी घाटी, जो 8-9 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है और सबसे ऊपर पहाड़ी पे महाराणा प्रताप का स्टैचू बना हुआ है। दिखा दिया ये पहाड़ी सब दिखा दिया, सारी हल्दी घाटी तरफ से भी देख लीजिए मेरे पीछे, ये जितना भी एरिया है ना ये सारा हल्दी घाटी का युद्ध का एरिया था, यहीं से पूरा युद्ध हुआ था। और वही पहाड़ी है जहाँ पे ना हम गए थे चेतक, जहाँ पे छलांग लगाया था वो ये पहाड़ी है हमारा पीछे जो है ना वो, और ये सारा वो जो देख रहे हो पहाड़ी के पीछे भी पहाड़ी है, ये सारा जो है ना ये पूरा एरिया दैट वाज द हल्दी घाटी बैटल फील्ड, फील्ड क्या दर्रा।